हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि तारा पेंट्स का लिंक के ऊपर से आप अपना पेमेंट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे https://tarapaints.com लिखना है। अब जैसे ही वो ओपन करोगे आपको ये स्क्रीन ओपन होगा। अगर आपको इसको डेस्कटॉप व्यू में ओपन करना है तो आप राइट हैंड साइड 3 बटन वाला ये कॉलम दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे डेस्कटॉप स्टाइल का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो तो ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आईडी डालना है। ये आईडी आपको अपने इनवॉइस के अंदर मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तब आपका जो आईडी है वही आपका पासवर्ड रहता है, तो आपको वो पासवर्ड डालना है और आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको अपना पासवर्ड डालने के लिए वो पूछेगा, तो आपको अपना न्यू पासवर्ड सेट करना है जो भी आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी 12345 सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको सबमिट दबाना है। ये आपको ये ऐसा मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, आपको ओके दबाना है। वापिस आपको यहाँ पे जाके अपना लॉगिन करना है और आपको अपना यहाँ अपना आईडी डालना है और आपको नया पासवर्ड सेट किया था वो आपको डालना है। तो मैंने वो नया पासवर्ड 12345 किया था वो मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे लॉगिन दबा रहा हूँ। अभी मैं जैसे ही लॉगिन दबा रहा हूँ यहाँ पे मेरे को एक एरर दिख रहा है, योर लॉगिन इज लॉक्ड प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर ब्रांच। इसका मतलब है कि ये हमारे यहाँ पे अप्रूवल में जाएगा और यहाँ पे हमारा एडमिन स्टाफ इसको अप्रूव करेगा। जैसे ही ये अप्रूव करेगा ये आपको अंदर लॉगिन करने देगा, तो तब तक आपको वेट करना है जब तक आपका लॉगिन हो जाता है। ये वन टाइम आपको अप्रूव करवाना पड़ता है, उसके बाद में आप कभी भी ये यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हम लॉगिन करके देखते हैं ये अप्रूव हो चुका है कि नहीं। तो ये अप्रूव हो चुका है, तो ये ऐसा डैशबोर्ड पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको पे नाउ का बटन दिखेगा जहाँ पे आपको अपना आउटस्टैंडिंग पेमेंट दिखता है। तो आपको पे नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ के बटन पे क्लिक करोगे आपका ये स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पे आपको अपने सारे इनवॉइस दिखेंगे और उसके सामने आपका जो भी पेमेंट बाकी है वो आपको दिखेगा। ऊपर आपको अपना कोड, नेम, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट, डॉक्यूमेंट का डेट, डॉक्यूमेंट का कोड सब कुछ आपको ऊपर दिखेगा। आपको जो भी पेमेंट करने हैं उसके सामने आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 बिल के सामने अगर आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको डालनी है, समझो कि आपका 13,275 बाकी है तो आपको वो लिखना है। अभी मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे 1 रुपी डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी एज ए एग्जाम्पल 1 रुपी डाल रहा हूँ। आपको जो भी अमाउंट डालनी है वो आप डाल सकते हो और यहाँ पे आपको सेव के बटन पे सेव दबाना है। जैसे ही आप सेव बटन लगाओगे आपको ये डायरेक्टली लेके जाएगा ये पेमेंट की स्क्रीन के ऊपर। आपको यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना नेम, एड्रेस, अपना जिप कोड, सिटी, स्टेट और कंट्री डालना है और आपको कंपलसरी ये सब डिटेल्स फीड करनी होगी, अदरवाइज ये आपको आगे पेमेंट नहीं करने देगा। आपको अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो और ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हो वो डालना है ताकि आपको उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और राइट हैंड साइड पे आपको जो भी अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो वो दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास नीचे बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, जो भी वॉलेट्स है आपके पास, UPI जो भी है, और NEFT और RTGS, इतने पेमेंट मोड से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आपको यहाँ से आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मेल या आपके फ़ोन नंबर पे मिल जाएगा। धन्यवाद।